भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि 3 महीने में एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए जो मंदिर निर्माण का काम दे सके। यानी कि कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आ चुका है और अब केंद्र सरकार को आगे की रूपरेखा तय करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र सरकार 3 महीने में एक ऐसा स्कीम और ट्रस्ट लाए जो ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि विवादित जमीन पर मुस्लिम अपना एकाधिकार सिद्ध नहीं कर पाए, इसीलिए विवादित जमीन पर राम जन्मभूमि न्याय का हक है, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में उचित स्थान पर मस्जिद बनाने को जमीन दे। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे पुराने केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले में कोर्ट ने विवादित जमीन का हक राम जन्मभूमि न्याय को दिया है, जबकि मुस्लिम पक्ष यानी कि शिया सुन्नी वक्फ को अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है। इस पर सभी भारत के वासी राम जन्मभूमि पर न्याय पर एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, इस पर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का भी एक ताजा बयान आया है। जी हां, आपको बता दें कि हालांकि खेसारी लाल यादव बिग बॉस के घर में हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मैसेज शेयर किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया है कि आखिरकार हम जीत गए और इस ऐतिहासिक जीत पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हां, आपको बता दें कि इसके बाद खेसारी लाल यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा गया है कि सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से अपील है कि कृपया पूरे देश में शांति का माहौल बनाए रखें और भाईचारा से इस न्याय का स्वागत करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का न्याय सर्वोपरि है और हम सभी मिलकर इस न्याय को मानना चाहिए। जिसके यह ट्वीट खेसारी लाल यादव का सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और हर कोई भोजपुरी फैंस इस ट्वीट को भारी मात्रा में लोग शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि भोजपुरी के कई सुपरस्टारों ने भी अपने अपने प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर व्यक्त किया है और हर कोई एक दूसरे को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। भोजपुरी गॉसिप से राव शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।